ले ओ भाई, सबसे पहले तो अपना एलिफेंट ने ही पैसे पूरे कर दिए जू में, और कुछ ना कुछ पक्का होना जो इतनी भीड़ लग रही। और क्या चीज है भाई यहाँ पर, देख कितनी ऊंचाई पर भाई इनका फूड रख रहे क्या प्रकाश घोष। सारी चीजें देख ली, अब हमारा मेन फोकस है जो चीज देखना हम चाह रहे ना भाई, टाइगर, वो है टाइगर, टाइगर। ना। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो भाई सीन कुछ आज कैसा है कि आज आपको दिखाकर लेकर आएंगे जू, विदेश का जू भाई साहब, चिड़ियाघर। तो आपको गर्मी में भटकने की, कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपका भाई बैठा दिखाया कर लेकर आएगा एक से एक बढ़िया से बढ़िया चीजें होनी भाई। मेरा तो फर्स्ट विजिट है भाई, और तो पहले भी वहां पर गए हुए हैं, और देखेंगे भाई कैसी कैसी चीजें हैं यहाँ का जू कैसे हो। इंडिया का तो देखा ही हुआ है भाई, यहाँ का देखना भाई कैसे कैसे एनिमल, कैसे कैसे पक्षी, क्या क्या चीजें होनी इसमें होनी। ये देखो भाई अपना बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम हल्की फुल्की सी हवा चल रही, और इतनी ज्यादा ठंड नहीं है ना, गर्मी है बिल्कुल मस्त एकदम। एक्साइटेड जू में जाने के लिए? यस। बब्बर शेर भी है बेटा वहाँ पर, विंडी। ओके ओके, ये कह रहे हैं कि विंडी आज मौसम हो रहा है, बाहर का वेदर हो रहा है, हल्की फुल्की से हवा चलने लग रही, और निकलते हैं भाई साहब, मौसम खराब हो जा रही ना, बंद मिल जाए कहने का। भाई साहब यहाँ पर बच्चों के चोचले और ये सामान ले लिया हमने जू में जाने के लिए, ताकि बीच में कुछ भूख लगा तो मास्टर ने भूख लगा, मास्टर की तैयारी है पहले। कौन कौन भाई अपने साथ जाने लग रहे हैं? अपने साथ हो गया रायन, दलवीत, भावना और सचिन, मतलब सारी फैमिली जाने लग रही भाई। और पता नहीं ना टिकटा भी कर रखी है ना कर रखी, टिकटा कर रखी सब कुछ है भाई रेडी। तो पैसे देने का एडवांस भी कर रखा है, एडवांस में कर ली थी, ऑनलाइन बुक कर ली थी 4 दिन पहले, तो कैंसिल भी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता उनका। और साथ में भाई अपने ग्लासेस भी लगा ला, बढ़िया सा जू है भाई अपना, और गर्मी ज्यादा हो रही है आज ना, वही देख। कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पर? देखते हैं, ट्राई करेंगे भाई ना, 1.5 घंटे तक फिनिश करने की। मेरे सब्सक्राइबर जोन से इतनी आस लगाओ बैठो ना, मजा आ जाएगा। अरे जबरदस्त, मैं कह रहा सब्सक्राइब कर दो भाई ना, जो नवे भी आने वाले हैं अपना मजा आने वाला है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करते सीधा लेकर चला अपना जूम है भाई। टाइम हो गया 12:30, मैं किस टाइम पहुंचना था? 12:30 पहुंचना, लेट हो गए, देखते हैं अभी एंट्री मिल जाएगी, मिल ही जाएगी। लो जी भाई हो गई यहाँ से एंट्री पार्क की भाई, अपना 1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद पहुंच गए पार्क में। और एक बार पार्किंग देखो भाई, पूरी पार्किंग पूरा रश हो रहा है आज तो, है ना? यहाँ पर ना भाई वेदर के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करा, कि जो वेदर अच्छा होगा ना तो एकदम से पब्लिक उस प्लेस पर बढ़ जा। निकल गई रायन की गट्टी, इस पर बैठ कर जाकर रायन बिना टिकट के जा रहे, तभी बग्गी में बैठा रहे ताकि छोटा बच्चा लगा बेटा ही बैठे, मतलब 3 साल का ही हुआ है। अच्छा ऐसा भी कोई सिस्टम है क्या? 3 साल एक महीने ऊपर ही टप है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल के बच्चे की 3 साल तक फ्री है, और उसके बाद अपना एंट्री फीस है बेटा। पार्किंग की भी टिकट हो? पार्किंग फ्री है यहाँ जू वालों की ना, जू वालों की वो बड़ी सही। वैसे जो भाई अपना जू की टिकट है वो लगभग 20 यूरो की है ना? हाँ, दो जो की 1900-2000 रुपए की करीब। अगर जो आप 3 दिन पहले 2 दिन पहले बाय कर लोगे, लेकिन अगर आप स्ट्रेट वे बाय करोगे तो भाई ना 2500 रुपए के करीब की पड़ेगी। उसमें का रीजन ये है ना कि जैसे कई बार वेदर आज बेकार है, आज वेदर अच्छा है, आज यहाँ ना काफी दुनिया आ रही होगी, तो हमने 2 दिन पहले बाय कर ली थी। मतलब तो कहने का ये है कि भाई 2000-2500 के बीच की टिकट रहा यहाँ की। लो भाई बाहर का ही सीन देख लो, बब्बर शेर मिलने हैं अंदर जाएगा इसमें पार्क में। लो भाई ये लग रहा है घोरों का मेला। लो जी भाई जी ये होने लग रही है एंट्री। ये एंट्री करते कुछ ऐसा सिस्टम है अंदर का, और 70 एकड़ में फैला हुआ है, 1830 में बना हुआ है ना ये जो, कितने साल पुराना, 200 साल पुराने। मस्त जी आपकी फोटो भी लग रही है, पूछा तो कहाँ तक तो भाई बात चल रही है, अभी तक कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। पर सबसे पहले हमने दिख गया भाई ये क्या व्हाइट फेस सकी। अच्छा एक देख नाम होने मस्त जिन के, आप हिंदी में ना कुछ और एक्सप्लेन करोगे, और यहाँ से लिखा कुछ और होगा, पर दिख रहा है छोटा सा है भाई वो सामने बैठे आप जो दिख रहे हो। तो भाई छोटे छोटे भी बहुत बच्चे रहे स्कूल के आज जू में। लो भाई अफ्रीकन गोट, और नाले ही भाई अपना देसी कल्चर, वही अपना गाय और बछड़ा भाई अपना दूध पी रहा। लो भाई आएगी अपना बेडे शिप खाई रहे, ये देखो यार आएगी अपना जंगली सुअर। लो भाई अपना राष्ट्रीय पक्षी भी दिख गया, खुले में घूम रहा बिल्कुल, क्या भी खूबसूरत और सुंदर लग रहा है भाई। ओ ये क्या चीज है भाई, कितना बड़ा है, कितनी ऊंचाई है उसकी, 3 आदमी ऊपर खड़े हो जाएगा ना। अच्छा उतनी ऊंचाई है जिराफ के, देखो। आइसक्रीम का दो, आइसक्रीम लेंगे कह दे कह दे कह दे तो सारे के। लो भाई ये ले लिया अपना आइसक्रीम, मास्टर इनकी बात तो माने उड़ा नहीं है भाई, जो चीज ठान ली ना तो लेकर छोड़ देगा, क्योंकि भाई गर्मी हो रही है आज, और आइसक्रीम यहाँ की बहुत ही मस्त नंबर एक भाई। आगे क्या दिखने वाला है अपना एलिफेंट, कहाँ गया भाई हाथी,
मैं तो पहले ना कह दूं भाई ले भाई, सबसे पहले तो अपना एलिफेंट ने ही पैसे पूरे कर दिए जू में। कई हाथी है भाई यहाँ पर, तीन तो ये है और दो चार उधर भी घूम रहे। जो पानी सुना सूंड में भर का इधर भाई फेंक भी दिया ना। हाँ ये देख, सारे बंदे ऐसे हो जाएंगे काले कूड़े। ले भाई वो सामने बैठे पेंगुइन भाई, हाथी देखने के बाद ये बारी आ गई जिराफ की और फिर आएगी हिप्पो की। क्या हुआ रायन, रायन को उठाकर रख भाई इस पे बग्गी पे। आज ये पूरा तीन साल होने का वो नहीं बह रहा भाई। ओ यहाँ तो बहुत सारे जिराफ हैं भाई, वो देख भाई कितने खड़े सामने, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा जिराफ। इस साइड में देखो कितने बड़े बड़े खड्डे कर रखे ताकि जिराफ जो है ना आगे तक नहीं आ पावे। लो भाई यहाँ से दिखेगा मस्त सीन एकदम। अब हम बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे भाई अपने जिराफ और जेब्रा के। ये आगे भाई ये तो हमारे पास ही आने लगे इधर। ये कितनी ऊंचाई पर भाई इनका फूड रख रहा है, प्रकाश घूस वहीं से ही खरे ऊपर से। हाथी जेब्रा रैनो भाई सारी चीजें देख ली। अब हमारा मेन फोकस है जो चीज देखना हम चाह रहे हैं ना भाई, टाइगर, वो है टाइगर, टाइगर। ना, वहाँ पैसे वसूल हो जाने, तब पैसे वसूल होंगे भाई पूरे होंगे। देखो भाई बिल्कुल जंगल जैसा टच दे रखा है यहाँ पर, और नीचा जोहड़ बन रहा पूरा जिसमे जंगली जानवर इधर उधर से आवा भाई यार अपना घूम का जावा। लो जी भाई फाइनली पहुंच गए अपना, कहाँ है टाइगर? अच्छा ओ ये लग रहा है भाई अपना गोरिल्ला का पोस्टर यहाँ पर। बट यहाँ पर तो भाई हमने देखने का कुछ नहीं मिल रहा, मे भी अंदर जंगल में हो। बट भाई हमने पोस्टर में नहीं देखना था, एक्चुअल में देखना था, एक्चुअल में तो नहीं दिख पाया, आगे देखेंगे बब्बर शेर। वो रहे भाई सामने चिंपैंजी, तो साथ में पानी छोड़ रखा था कि ना इधर ना जंप मार जाए हमारी तरफ ना। अच्छा। देखो कोई नट नहीं आकर लगा, नट कुछ जाल वगैरह। पानी से डरते होंगे भी, पानी में नहीं जाते हैं। मस्त आपकी शक्ल देख कर दूंगी कौन आपके पास आने का भी। गजब बेइज्जती है, हमना तो भीड़ से अंदाजा लग जा भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ पक्का होना जो इतनी भीड़ लग रही। और क्या चीज है भाई यहाँ पर, ओ ये बैठे भाई चिंपैंजी। यस यहाँ तो दिखेंगे बहुत क्लोजली, और वो देख भाई कितना बड़ा बैठे सामने। बड़ी सी चीज दिखाओ भाई, बड़ी सी, ये छोटे मोटे खिलौने ना दिखाओ। हाथी दिखा तो दिया आपसे बड़ा। हाँ यहाँ पर क्या सिस्टम है, क्या है कहाँ से? अच्छा ठीक, कुछ भी गोरे अपना घर से लेके आ रहे, फूड फाड अपना लंच कर रहे बैठे हुए। और कितना टाइम हो गया भाई, 2:15 बज गए, 2 घंटे लग गए हमने यहाँ पर घूमते हुए। लो भाई कोरोना देखा, आप भी अपना पूरी भूख लगी, हर क्या लेकर आए हैं, क्या चीज है? रेडीमेड भाई साहब गोलगप्पे, मास्टर का पूरा ख्याल करके और बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं भाई, अपना टिक्की साकी सब कुछ लेकर आए हम यहाँ। यहाँ सिर्फ एक रेडी की कमी रहेगी, उस पर लेकर नहीं खड़े हुआ ये बनाने की रेडी है, जितने भी अपने पन्ने देख रहे ना सब में कुछ ना कुछ मिलेगा। लो भाई गोलगप्पो की प्रॉपर पैकिंग कर रखी, वाह भाई ताकि फूटे ना। लो भाई है गोरो की यहाँ पर छोटी मोटी सी कैंटीन, और वैसे हमने खाना खा लिया भाई, बढ़िया तृप्ति होगी एकदम से। अब दोबारा फिर अपना सर्चिंग पर निकल पड़े, और टाइम हो रहा भाई 2:30 बज गए। अब सर्च करना भाई हमने बब्बर शेर। देखो भाई एक नई सी गुफा में जा रहे, और नीचे आ गया हम ऊपर से काफ़ी, देखा अंदर क्या है भाई। यहाँ तो यार आदमी ही घूम रहे, क्या टैटू टैटू बना रखे भाई बॉडी पर। बब्बर शेर फाइनली भाई अपना दिख गया, जिसकी काफी टाइम से वेट हो रही थी। अरे यो भी बैठा है मास्टर जी शीशे के सामने, और दाढ़ मारने लग रहा। ये कहाँ है गए भाई अब हम, क्या चीज है यहाँ? लो भाई यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, यो यस रायन। लो भाई ऊपर से दिखाऊंगा अपना वेल्स,
हाँ ये बैठी भाई सामने, ये तो अलग सी है यार, पूरी आवाजा कर रही है भाई, साउंड है भाई। जिसमें मेरे पिछले वो लोग देखे हो गए ना, जिसमें अंग्रेज पे बोलने पर मास्टर का क्या रिएक्शन हुआ पता? भाई 70 किलो में घूमते घूमते कैसा रहा? बढ़िया, थकावट होगी, दो रोटी ज्यादा खानी आज ना। बट ये बाई लकी हो भाई, जो भी चीजें मैंने अंदर दिखी ना जंगल में, कोई सोती भी होंगी उस टाइम और कोई जाग भी रही भाई, वो डिपेंड करा भाई सिचुएशन के ऊपर। बट वेदर आज अच्छा, फिर भी आज वेदर बहुत बढ़िया था भाई, बट अंदर एक थे एक आवाजें जो पक्षियों की यार भाई, नेचर जो फील करे ना उसका अलग ही मजा था भाई। अब हमारे सामने पीछे भी देख लो भाई, जो नेचर है ना, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर खड़े रहा है ना। और टाइमिंग का क्या रहा भाई यहाँ पर? टाइमिंग का है बेस्ट है कि देखो अपना गूगल पे सर्च कर लो, है ना, कई बार है कि फ्राइडे सैटरडे डिफरेंट टाइम हो जाए, गूगल सर्च कर लो डबलिन जू, है ना, कि क्या टाइमिंग है। लगभग यहाँ पर 2-3 घंटे मान के हैं कि 2-3 घंटे लग जाए ना, 2 घंटे लग जाए फ्री है यहाँ पर, डेढ़ से 2 घंटे बीच में भाई अपना कैंटीन कुंटीन भी है और अपना खाना फूड जो साथ में लेकर आ जाए तो वो बेस्ट है। लो फाइनली भाई अपना एग्जिट करने का टाइम आ गया। तो ये तो देखा भाई अपना आज डबलिन का जू, और वैसे मैंने अपना देहरादून के जू की भी वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, वो ऐसा क्या डिफरेंस था या फिर? डिफरेंस तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, जो आपने नहीं देखी भाई वो वीडियो तो जरूर से जरूर देखना एक बार जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल रखा, और जो आपको कोई आपको चेंज लगे हो भाई वो जरूर से जरूर कमेंट करके बताना कैसा लगा, कैसा नहीं डबलिन का या फिर अपना इंडिया के देहरादून का जू।